सो हेलो गाइस, मेरा नाम है आनंद गुप्ता और गुप्ता जी एक्सपेरिमेंट यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल में देखा है, आज की वीडियो हम 2-in-1 टॉर्च लगाने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, आज की वीडियो हम 2-in-1 टॉर्च लगाने वाले हैं। तो पहला आप इसका काम देख सकते हैं, ये फोकस वाली लाइट चलाती है एक बटन से, और यहाँ से हम कंट्रोल कर सकते हैं मेन लाइट को। तो फ्रेंड्स, इसको कैसे बनाते हैं इस वीडियो में मैं आप लोगों को पूरा डिटेल में बताऊँगा, इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। तो दोस्तों, इस अमेजिंग टॉर्च को बनाने के लिए हमको सबसे पहले इस टाइप के एक प्लास्टिक के बॉक्स की ज़रूरत पड़ेगी। ये प्लास्टिक का बॉक्स आप लोगों को मार्केट में 20 रुपये में मिल जाएगा, आप इस तरह ले सकते हैं। यहाँ पास फ्रेंड्स, एक हम बैटरी ले रहे हैं, ये जियो की मोबाइल की बैटरी है, आप किसी भी मोबाइल की बैटरी ले सकते हैं, या फिर आप इस टाइप की लिथियम बैटरी का भी यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर और कंपोनेंट्स देख लेते हैं। तो हमको एक एलईडी स्ट्रिप चाहिए होगी, ये मेन लाइट के लिए फ्रेंड्स स्ट्रिप ले रहा हूँ, आप किसी भी प्रकार की एलईडी स्ट्रिप ले सकते हैं, और उस पर एक मैंने मतलब एलईडी लाइट प्रोटेक्टर रहता है, एक टाइप से ग्लास रहता है उसको लगाने के लिए। यहाँ पर एक रोटेटर स्विच लिया हूँ फ्रेंड्स, आप इसकी जगह नॉर्मल स्विच भी लगा सकते हैं। यहाँ पर एक मैं चार्जिंग पोर्ट लिया हूँ 5 वोल्टेज का, ये भी आप लोग ले सकते हैं। तो यहाँ पर एक हम ले रहे हैं स्विच, नॉर्मल स्विच जो कि 10 रुपये 5 रुपये में मिल जाता है दोस्तों। उसके बाद यहाँ पर हम ले रहे हैं एक फोकस वाली छोटी सी एलईडी लाइट, जो कि मतलब बहुत ज़्यादा इसका फोकस रहता है, छोटी सी है, नॉर्मल टॉर्च से आप निकाल सकते हैं या फिर आप खरीद सकते हैं मार्केट पर। यहाँ पर कुछ कनेक्टिंग वायर ले रहे हैं, कनेक्टिंग वायर भी आप ले सकते हैं कहीं से भी। तो यहाँ पर एक इन सब को चिपकाने के लिए ग्लोवल ले रहे हैं। यहाँ पर मेन चीज़ हमारा सोल्डरिंग आयरन, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो फ्रेंड्स, अब हम क्या करेंगे, इस एलईडी प्लेट को चिपकाएंगे इस पर ग्लूगन की मदद से। ये बोर्ड मैंने इलेक्ट्रिकल रिपेयरिंग की शॉप से लिया है, तो वहाँ पर आप लोग भी जा सकते हैं और वहाँ 20 रुपये में मिल जाएगा। आप लोगों से आप लोग मांग सकते हैं कि आपको बोर्ड बनाना है, उसके लिए एक छोटा सा बोर्ड चाहिए। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, अब हम क्या करेंगे, इनमें छोटे छोटे और कॉम्पोनेंट्स जैसे हो गया हमारा स्विच हो गया, और ये फोकस वाली लाइट हो गई, उसको भी हम ज़बरदस्ती मतलब फिट कर देंगे इधर पे, कट वगैरह कर देंगे, नहीं होगा फिट। तो यहाँ पर मैंने फिट कर लिया है। और यहाँ पर दूसरा जो पार्ट था बोर्ड का, उधर पे मैंने क्या किया है, यहाँ पे एक चार्जिंग पोर्ट और एक हमने रोटेटर वाला स्विच हमने फिट किया है। ये रोटेटर वाला स्विच का एक प्रोप होती है, उस प्रोप को हम जल्दी से लगा देते हैं, यहाँ पर देख सकते हैं। और सारी में मैंने कनेक्शन कर दिया, मतलब सॉरी कनेक्शन नहीं, वायर जोड़ दिया है सारी चीज़ों में। यहाँ पर फ्रेंड्स एक इंडिकेटर ले रहा हूँ, तो ये मैंने खुद से बनाया, एक डायोड और एक हमने रेजिस्टेंस जोड़ दिया है एक एलईडी में, छोटी सी वाली 3 वोल्ट 5 वोल्ट वाली एलईडी में। तो यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर मैंने पॉजिटिव टर्मिनल पर जोड़ा है, और जो क्या बोलते हैं, यहाँ से अब हम बैटरीज देंगे बाहर साइड से, उधर से चलेगा नहीं, बट हम इससे बैटरी चार्ज कर सकते हैं, मतलब उल्टा नहीं आएगा करंट, ये इसके लिए होता है डायोड। यहाँ पास ब्लैक वाला पट्टा हमने एलईडी पे पॉजिटिव वाले में जोड़ दिया है, और सिल्वर वाला पट्टा हम उधर पे बैटरी को जोड़ेंगे। तो यहाँ पास फ्रेंड्स अब एक जगह हमको होल दिख रहा है, तो वहीं पास हम इसको चिपका देंगे ग्लूगन की मदद से, ताकि जब ये हम जलाएँ चार्ज भी लगाएँ तो ये एलईडी लाइट जले और हमको ग्लो करती हुई दिखे। तो फ्रेंड्स यहाँ पर मैं अब सारे कनेक्शन कर देता हूँ इसके। तो यहाँ पर कनेक्शन क्या है, सिंपल सा कनेक्शन है दोस्तों, कि जितने भी नेगेटिव वाले हैं, जैसे हमारे एलईडी हो गई, और जितने भी दो एलईडी हैं उसके नेगेटिव वाला, स्विच का नेगेटिव वाला, और चार्जिंग पोर्ट का नेगेटिव वाला, बैटरी का नेगेटिव वाला, सबको जितने भी हैं सबके नेगेटिव वाले को हम जोड़ देंगे आपस में। स्विच नहीं फ्रेंड, स्विच गलती से मैंने बोल दिया था। तो सारे नेगेटिव जितने वायर हैं चार्जिंग पोर्ट और बैटरी के, लाइट के, एलईडी लाइट्स के, उनको, और जो पॉजिटिव वाला है उसको, जैसे हमारा ये वाला स्विच के लिए हमको इसमें लगाना है, क्या बोलते हैं, फोकस वाला लाइट को हमको ये छोटे वाले स्विच से जलाना है, जलाना है, तो मैं उधर पे कनेक्ट कर देता हूँ। जो बैटरी का पॉजिटिव वाला है उसके स्विच के दूसरे साइड में जोड़ दूंगा, और यहाँ पास इस तरह हम दूसरे एलईडी का भी कनेक्शन कर लेंगे दूसरे वाले स्विच के साथ, और बैटरी का कनेक्शन कर देंगे फ्रेंड्स। जो बैटरी का पॉजिटिव वाला है तो वह फिर दोनों वाले स्विच में हम जोड़ देंगे एक एक टर्मिनल पर, और एक एक टर्मिनल पर लाइट की जोड़ देंगे। अब बचा स्विच ये चार्जिंग पोर्ट का कनेक्शन, तो चार्जिंग पोर्ट के कनेक्शन में हम बता देते हैं क्या किस तरह करना है। जो हमने इंडिकेटर लिया था ना, तो इंडिकेटर के जो एलईडी का लैग होती है जहाँ पे हमने डायोड कनेक्ट किया था, तो उसका सिल्वर वाला पट्टा, सॉरी ब्लैक वाला जो पट्टा था डायोड का, उधर पे कनेक्ट करना है जहाँ पे हमने एलईडी को कनेक्ट किया था। और जो हमारा बैटरी का है, तो बैटरी वाली पॉजिटिव वाली वायर को हमको उसके दूसरे अपोजिट साइड में कनेक्ट करना है जहाँ पर हमारा सिल्वर वाला पट्टा था। आई होप आप लोगों को कनेक्शन समझ में आ गया होगा। अब हम क्या करते हैं, इसको पैक कर देते हैं। तो ये हमारा पूरा पैन कार्ड रेडी हो चुका है, लेकिन आप लोग वीडियो को एंड तक जरूर देखना है, क्योंकि हम इसके एंड में एक रात में मतलब टेस्टिंग दिखाएंगे अंधेरे में। और इधर पे हम क्या कर रहे हैं, ये हमारे जो ग्लासेस थे, हमारे नहीं सॉरी ये टॉर्च के ग्लासेस थे, उसको लगा देते हैं।
तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं इसकी टेस्टिंग एक बार यहाँ पर दिखा देता हूँ, फिर उसके अंदर थोड़ा सा अंधेरे दिखाऊंगा, चार्जिंग भी दिखाऊंगा इसका कि चार्जिंग में किस तरह जलता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कितना अच्छा ब्राइट फोकस है। आप लोग इसको घर पर अपने ये काम पर अपने फैमिली के लिए बना सकते हैं, मतलब एक प्रोफेशनल लुक भी है इसका कि हम खुद से बनाएंगे तो प्लास्टिक का बॉक्स टाइप का नहीं मिलेगा और बनाने में दिक्कत होगी फ्रेंड्स, और उतना अच्छा लुक नहीं दिखेगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं चार्ज में लगाते हैं मस्त ब्राइट LED जलती है, और यहाँ पर आप लोगों को दिखा दिया चार्जिंग भी, और अंधेरे में थोड़ा सा दिखा देता हूँ इसकी ब्राइटनेस को कंपेयर कर देता हूँ। तो यहाँ पर देख सकते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पर जब जो लिखा है ना वो आप लोगों को करके जाना है। तो दोस्तों प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए एंड लाइक कर दीजिए वीडियो को, अब वीडियो पसंद आई है तो आप लोग वीडियो को चैनल मतलब वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। लाइक का आपका है पर चैनल को सब्सक्राइब करिए, चैनल को विजिट करके देखिए एक बार फिर सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो यहाँ पर फ्रेंड्स देख सकते हैं, आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। यहाँ पर फोकस और लाइट भी चला के दिखा देता हूँ। तो चलिए दोस्तों अब वीडियो को एंड करते हैं, यहाँ तक आए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।